चलिए बनाते हैं बैठे बैठे, क्या करें करना है कुछ काम। ये रेसिपी याद आ गई मुझे बैठे बैठे, मुझे मन करके बनाने की, तो इसलिए मैंने बना रही हूँ। तो मैंने कैबेज लिया है, स्प्रिंग अनियन, और उसमें जो प्याज रहता है उसको ऐड किया है। अदरक लहसुन और मिर्च को मैंने अच्छे से इसमें कूट लिया है, ये करने में मुझे बड़ा मज़ा आया है। और फिर हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, और इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, इसलिए उतना ही बेसन ले जितना इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और धनिया पत्ता बहुत सारा, और जो हमने पीसा है वो, और अपने घर में जो भी स्पाइसेस है वो ऐड करें आप। मिर्च आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा डालें, मुझे पसंद है मैंने ज़्यादा डाला है। और ये जो कलौंजी है इसको अच्छे से डालें, क्योंकि इससे टेस्ट बढ़ जाता है। और इसको ऐसे थिक ही रखें बैटर को, और तेल गरम करें और उस पर इस तरह से दबा दबा के छोड़ें, ऊपर से ना छोड़ें, अदरवाइज़ वो गोल गोल सा बन जाएगा। ऐसे छोड़ें ताकि ये अलग शेप में आएगा और ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। बिलीव मी गाइस, ये बहुत टेस्टी था। और इसके साथ धनिया पत्ता का चटनी, जो कि मैंने उसका वीडियो पहले ही शॉर्ट्स में डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हो। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, ये बहुत ही टेस्टी था। और बिल्कुल सिम आँच पे इसको पका है ताकि कैवेज जो है वो कच्चा ना रहे और खाने में टेस्टी लगे। तो आप इसको बिल्कुल ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बना था। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये कैसा लगा बनाने के बाद। एक बार ट्राई करना तो बनता है।